स्वतंत्रता दिवस पर लखनऊ के जनरेशन मिश्र पार्क पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराकर सभी को बधाई दी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने लखनऊ के कार्यालय में ध्वजारोहण किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा, देश की स्वतंत्रता का यह साल अपार खुशी का मौका जरूर है, लेकिन इसके जश्न में चार चांद लग जाता है अगर देश की जनता पर बढ़ती महंगाई, जानलेवा गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य आदि की चिंताओं से मुक्त होकर सबने हर दिन त्रस्त ना होती। अखिलेश यादव ने कहा कि निजी स्वार्थ के लिए कुछ सरकारें हिंदू मुसलमान को आपसी भाईचारा बांट रहे हैं, इससे सावधान रहने की जरूरत है। आज हालात देश में ऐसे हो गए हैं कि महंगाई बेरोजगारी से जनता त्रस्त हो गई है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। देश के सामने आज चुनौतियां भी हैं और चिंता करने का समय भी है। देश के लाल किले पर खड़े होकर जो संकल्प लिए जाए वह जनता के लिए पूरे जरूर किए जाए। नोएडा की घटना पर सवाल करने पर अखिलेश यादव ने कहा कि यह बहुत इसके साथ ही मायावती ने कहा इस खास बुलंदी मुद्दों के प्रति अपनी संवैधानिक चिंता, प्रयास, संघर्ष, योगदान को हर हाल में जरूरी जारी रखना है, क्योंकि इसी में ही देश और देशवासियों की इज्जत और बुलंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।